एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। पिछले सप्ताह विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच 31वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधायक गणेश नाइक एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक ने नवी मुंबई के अस्पतालों की वास्तविकता का खुलासा पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने किया था। इस दौरान ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने आयुक्त के सामने ये बात रखी थी कि डॉक्टर डीवाई पाटिल अस्पताल में पालिका द्वारा कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं, मगर कुछ मरीजों को अस्पताल प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर से लाने के लिए कहा जाता है। पूर्व विधायक संदीप नाइक के इस सूचना के बाद अब पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने महानगर पालिका क्षेत्र के सभी कोविड अस्पताल को यह आदेशित किया है कि नवी मुंबई के अस्पतालों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन दवाई की चिट्ठी मरीज या फिर उनके परिजनों को ना दी जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यक पूर्ति करना अब अस्पताल की जिम्मेदारी है। आयुक्त ने ये भी कहा कि अगर किसी भी अस्पताल द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।